नाजायज कब्जा कर लेकर बैठे, फर्ज कीजिए हकीकत से मिल गया, फर्ज कीजिए, तो आपको एक नोटिस देना जरूरी है सीईओ की जानिब से। फिर आप फिर उससे वो नोटिस से पहले इंक्वायरी जरूरी है। आप इंक्वायरी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। एरिया इंस्पेक्टर साहब क्या रोल अदा करते हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। वहां कोई मुतालिक आदमी है वो क्या करता है वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो देर आर सो मेनी हिकअप्स इन बिटवीन कप एंड द लिप्स। ये प्यारी आए आए तक दुनिया भर के झगड़े पैदा हो जाते हैं और नतीजा ये होता है कि जैसे ही नोटिस दी जाती है वो साहब जाकर मुकदमा डाल देते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर ले लेते हैं। अच्छा फर्ज कीजिए सालों की लड़ाई के बाद जीत जाए तो 53 के तहत वफ कोर्ट ये ऑर्डर आरडीओ को देना चाहिए, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर फिर इंक्वायरी करेगा, फिर वहां एक 10 साल, इस तरह 20 साल के बाद अगर कोई जायदाद मिल सकी वफ बोर्ड को तो मिल जाएगी, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये जो इख्तियार है जैसा हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत इख्तियार दिया गया कि जैसे ही कोई एंडोमेंट प्रॉपर्टी में कब्जा होता है और उसको निकालना जरूरी है, किराएदार है, नाजायज काबिज है, तो वहां कमिश्नरेट है, कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब हुक्म देते हैं, ऑर्डर पास होता है, तामीर हो जाती है, पुलिस मदद करती है, कब्जा मिलता है, जायदाद वापस हो जाती है। लेकिन हमारी जायदादों के ताल्लुक से परपजली वांटनली डिलिबरेटली विद अ वेरीफाइड इंटेंशन टू यूजर्प द वर्क प्रॉपर्टीज दे हैव नॉट ब्रॉट एनी सच अमेंडमेंट इन द वर्क एक्ट टिल टुडे। टिल टुडे कोई ऐसा तब्दीली या तरमीम नहीं लाई गई जिसके जरिए वक्फ बोर्ड को यह इख्तियार दिया जाए कि आप तखलिया करवाएं और पॉलिसी मदद से खाली करके उसको निकालें। तो इस वजह से जायदाद की तबाहियां हो रही हैं, इसी वजह से जो लोग काबिज हैं वो शेर बन गए हैं और अल्लाह अच्छा रखे उनको नारा भी दिया गया कि जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का, लिहाजा अब्दुल्ला कब्जे में बैठे हुए हैं और अब्दुल्ला मरहूम को दुआ दे रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि साहब अब वक्त ये है प्रोफेसर वैद्या कुमार जैसे संजीदा फिक्र रखने वाले साहब मैदान में आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि वो बहुत ही अहम मौकफ पे, अहम इंतहाई इशू पे वो सामने आए हमारे, आपको मिलकर हाथ मिलाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो वक्फ एक्ट में तरमीम लाए और वक्फ को, वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियार दे, वरना 1000 ऐसी मीटिंग से फायदा नहीं आए। वो निकाह ही क्या जिसमें दुल्हन ना हो। यहां दुल्हन का वजूद कहां है? दूल्हे साहब अकेले मर्सिया पढ़ रहे हैं बजाय सेहरा पढ़ने के। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि संजीदा तरीके से इस पे गौर कीजिए। मीटिंग इसलिए होना जरूरी है ताकि ये जो माहौल है वो गर्माता रहे, हम जो है उसको वार्म अप करते रहे, अपने नजरियों को हुकूमत तक पहुंचाते रहे। हुकूमत के कान, जरा हुकूमत ऊंचा सुनती है और कान बहरे होते हैं, लिहाजा बहुत सुनाना जरूरी है। आप जैसे लोगों का, वैद्या कुमार साहब का, प्रोफेसर अनवर खान साहब का ताउन भी जरूरी है। आप तमाम मुसलमान भी ये समझे कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूं। एक चीफ जस्टिस साहब ने मुझे बुला के कहा, नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा शहीद साहब मुस्लिम लॉयर्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। मैंने कहा सरकार गरीब का नाम भी मुजरिमीन की फेरिस्त में है या खातिलों की फेरिस्त में है? तो कहा ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई वक्फ जायदाद नाजायज कब्जे में हो या उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा हो तो वकील का काम है वो बिल दाखिल करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके लिए कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ टाइप टिकट का खर्चा होता है। वकील साहब अपनी फीस लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अदालती खर्चा 500 रुपए में बिल दाखिल हो जाती है। और अगर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में केस दाखिल करें तो 15 रुपए फीस है, टाइप का खर्चा 100 रुपए, वकालत की फीस 150 रुपए, सेक्शन का मिला के खर्चा 10-20 रुपए, 500 रुपए में आप दाखिल कर सकते हैं मुकदमा करोड़ हाथ रुपए जायदाद की वापसी का 500 रुपए में। भाई ये बात सियासत के लीगल फोरम में भी बार बार कहता रहा कि भाई अदालती खर्चे से मत घबराइए, क्योंकि अदालती खर्चा सिर्फ 500,000 के अंदर आता है अगर वक्फ जायदादों का, बाकी तो वो वकील साहब का मामला है, हम उसमें मुदाखलत करने वाले नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि अखबार में जब आप पढ़ते हैं सियासत में और दूसरे अखबार में वक्फ जायदादों के ताल्लुक से जो तबाही हो रही है,
तो आप आगे बढ़ के आइए, उस सिलसिले में मालूमात इकट्ठा कीजिए, अपने करीबी वकील से रब पता कीजिए, उनसे कहिए साहब इसमें आप केस डालिए इस जायदाद के वापसी के लिए, इस जायदाद की रिकवरी के लिए। और वकील साहब का काम है, बल्कि फर्ज है, बल्कि मजहबी फरीजा है कि वो ये मुकदमा ले और उस मुकदमे के ताल्लुक से कार्रवाई करे। तो इसलिए मेरी ये जो कंक्लूजन है मेरा वो ये है कि हमको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा करें, बल्कि उस पर दबाव डालें हर किस्म का, और अपने वोट का इस्तेमाल उसी पार्टी के हक में करें जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लिखे क्लियर तरीके से कि हम वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज करेंगे और ये जायदादों की बाजियाबी के लिए हर किस्म की कानूनी मदद करेंगे और उसके लिए अमेंडमेंट करेंगे कि साहब वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियार दिया जाए। अगर आप ये फैसला नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के 60 साल क्या और 100 साल तक भी आप वक्फ की एक जायदाद वापस नहीं ले सकते। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, ये वो हथियार है जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है, एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। यह हथियार आपको दस्तूर ने दिया है, इसका इस्तेमाल जायज तरीके से कीजिए और हुकूमतों को पार्टीज को मजबूर कीजिए कि अगर आपको हमारा वोट लेना है तो आपको हमारा मुतालबा मानना होगा। मिन हैसुल कौम कहिए, मिन हैसुल जमात कहिए, मिन हैसुल मुस्लिम कहिए। खुदा हाफिज़।